सिद्धार्थ सिडानी साहब भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सिडानी सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए, आपको क्या पसंद आ रहा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। आज के लिहाज से मैं मेटल्स एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैक दिख रहा है पिछले एक डेढ़ महीने दो महीने से, और उसी में से स्टॉक लेके आया हूँ जिंदल स्टील एंड पावर। जेएसटीएल पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1080 का, फॉलोड बाय 1115 1115। विद अ डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं जेएसटीएल को। 1080 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1115 का पोजिशनल टारगेट। इसका मेन जो फैक्टर है वो प्रोडक्शन का जो इंक्रीज है, केपेक्स जो है वो मेन फैक्टर है। करीबन 65% से कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, 15.9 मिलियन टन कैपेसिटी बन जाएगी FY 2025-26 में। दो इंटीग्रेटेड प्लांट है। Q1 कामकाज में मुनाफा भी स्ट्रांग रहा, और लोअर कोल कॉस्ट के कारण 30 से 35 डॉलर प्रति टन Q2 में कटौती देखने मिलेगी हमें JSPL में। ओवरऑल 7,500 से 10,000 करोड़ का केपेक्स है, तो इसका मेन थीम जो है केपेक्स है अगले साल का JSPL। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1080 का और 1115 का। ओके, तो ये है आपके लिए JSPL में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए सिडानी साहब की तरफ से। लेकिन सिडानी साहब, क्योंकि ऑयल हम देख रहे हैं, कच्चा तेल है, वो सब चीजों के फोरफ्रंट पे हेडलाइंस बना रहा है और उसका इम्पैक्ट बहुत सारे सेक्टर्स पर दिखेगा। पहले तो सर ओएमसी पर ही मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। IOC, HP, BP कल धराशाही थे और प्रेशर बना हुआ है, आपकी नजर कहां पर है, क्या करेंगे? बिल्कुल सही है नेहा, जब भी ऑयल क्रूड ऑयल प्राइस ब्रेंट क्रूड की बढ़ोतरी देखी जाती है तो ओएमसी गिरते हैं, और इसमें डेफिनेटली नेगेटिवली इंपैक्ट होता है बीपीसीएल, एचपीसी और आईओसी। हालांकि बीपी और एचपी हमने कई बार रेकमेंड किया है, अभी भी हमारे रेकमेंडेशन लिस्ट में है, बट वो पोजिशनल तौर पे है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये वीकनेस रहेगा, पर अगर लंबे समय के लिए निवेश के रूप में देखा है तब डेफिनेटली आप बीपीसीएल एचपीसीएल की गिरावट पे ऐड कर सकते हैं। पर जब क्रूड की गिरावट होती है तब अपस्ट्रीम कंपनियों पर ज्यादा फायदा होता है, और इसमें मेरा टॉप पिक रहेगा ONGC। ONGC मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन कर सकता है 3 से 6 महीने के हिसाब से, तो मैं बेट करना चाहूंगा ONGC। इंसिडेंटली आज एचपी पर सर की स्टॉक ऑफ द डे में सेल की, और ONGC पर खरीदारी की भी रिकमेंडेशन है। तो ऑफकोर्स ये जो स्पेस है ऑयल एंड गैस का और ओएमसीज का, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। ओके, इसके अलावा पेंट स्पेस, क्योंकि ये भी कच्चे तेल से प्रभावित होता है, इस पर फोकस कर लेते हैं। कल पूरा ही पेंट स्पेस लाल निशान में रंगा हुआ था। सिडानी साहब, पहले तो पेंट स्पेस कोई राय बन रही, गिवन द फैक्ट त्योहारी सीजन है, ये अच्छा टाइम होता है, डिमांड भी आती है, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी उल्टी पड़ती दिख रही है। देखिए, पेंट स्पेस में लीडर के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ चुका है और लीडर के पास प्राइसिंग पावर भी है। कंपटीशन की बात करें तो बिल्लाज और JSW ग्रुप के थ्रू जो पेंट के कंपटीशन आ रहा है ये तो है ही, बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर भी, जो सेकंड थर्ड रैंक के जो प्लेयर्स हैं इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं रहेगा। तो पेंट स्पेस में ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में क्रूड के बढ़ने पर नेगेटिविटी जरूर रहेगी, बट अगर आपको कुछ खरीदना भी हो तो लीडर के साथ रहे, और वो है एशियन पेंट्स। ओके, एशियन पेंट्स के साथ चलने की रिकमेंडेशन है। राय सिडानी की, सिडानी साहब की ली जाए सुपर सिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, रिफाइनिंग स्पेस की कंपनी है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो पे खरीदारी की राय है, एक टारगेट ही रखना है, बट एक महीने के आसपास का आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, और वो टारगेट रहेगा 945 का। चेन्नई पेट्रो विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2023 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट लिटिल नर्वस है, तो पोजिशन 945 का टारगेट रखे। 10.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है रिफाइनिंग स्पेस में। 52% IOC होल्ड करता है चेन्नई पेट्रो में। 24% के आसपास के ROEs दिख रहे हैं। GRM जो $6.3 देखे गए थे। रिफाइनिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, और 2300 करोड़ के आसपास के नेट कैश है। सबसे बड़ी चीज जो हम Q2 में जो GRM उम्मीद कर रहे हैं वो $8.3 उम्मीद कर रहे हैं कंपेयर टू $7, तो इसके मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। चेन्नई पेट्रो एक आध महीने का अगर टाइम दे सके तो 945 के टारगेट के लिए खरीद सकते। 945 के लक्ष्य के लिए महीने भर के लिहाज से खरीदारी करें, ये है चेन्नई पेट्रो। आइए सिडानी जी, आपको इस समय कुछ पसंद आ रहा है, कुछ ऐसा जो इन स्तरों पे लिया जा सके?
माफी चाहूंगा नेहा, आप कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? मैं आईटी स्पेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहीं पर थोड़ा बहुत एक्शन दिख रहा है। कुछ कोई ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईटी स्पेस में एक टॉप लिस्ट में है, बट वो कोई भी कंपनियां लार्ज कैप स्पेस से नहीं है। ऑफकोर्स लार्ज कैप में हम कवर करते हैं, बट मुझे लगता है अभी भी इस तिमाही में भी मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप को। और उसमें से एक है मैस्टैक, साइंट, ये कंपनियां हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, पोजिशनली भी और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी। और अगर मिड रैंक के आईटी कंपनियों की बात करूं तो कोफोर्ड, परसिस्टेंट, ये दो कंपनियां हैं जो बहुत बेहतरीन लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में अभी भी आपको मिड कैप आईटी पे रहना चाहिए रादर देन लार्ज कैप आईटी। ऑल दो पिछले क्वार्टर से टीसीएस, इंफोसिस ने बेहतर रिजल्ट दिए हैं, बट अभी भी मैं मिड कैप आईटी के साथ रहूंगा और टॉप पिक रहेगा मास्टेक और साइंट। ये है आपके लिए मास्टेक और साइंट, दो पसंदीदा स्टॉक हमेशा से रहे हैं, सिद्धार्थ जी साहब के आईटी स्पेस में अब भी रहेंगे। तो एक बार सिद्धार्थ जी से पूछते हैं, सिद्धार्थ जी, जब जर्मनी के रास्ते में बीच में जो ये ईरान वगैरह ये सब आते हैं, इसराइल वगैरह, तो वो ये जो वहां तनाव चल रहा है, इसका ये जो असर इन कंपनी पे कैसे देख रहे हैं सर आप? पहले प्रथम तो अनिल जी, असर की तो बात बाद में करेंगे, वो तो पूजा ने सब समझाई दिया है, बट अभी बाहर ट्रेवल करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, तो बाहर तो ट्रेवल करना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो हमारे जो प्लान्स है वो अभी के लिए तो एकदम रद्द किए जा रहे हैं। सुमित जी का एक मिनट, सुमित जी का एक मासूम सा सवाल आया हमारे मासूम से, सुमित जी, जब बाहर जाना सेफ था तब कौन सा जा रहे थे? चलो अभी तो सेफ नहीं है, मान लिया आपकी बात, आप बड़े बुजुर्ग है, परिवार में जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन जब सेफ था सुमित जी जैसे बच्चे कह रहे हैं, तब अब जिद कर रहे, तब जब सब ठीक था तब तो ले गए नहीं अब आप हम बाहर? अनिल जी, तो सुमित जी को ये जवाब है कि तब लिफाफे हाथ में नहीं आए थे, इसलिए जर्मनी नहीं जा पाए। छोटे से लिफाफा लोगे? सिद्धार्थ जी क्या गजब करते हो जी। सुमित जी, अनिल जी, अगर मेरा लिफाफा देने से जर्मनी चलने वाला है तो मैं आज ही लिफाफा भिजवा देता हूँ। ये इधर बात जी, सिद्धार्थ जी दीजिए अपनी राय जी। बिल्कुल अंजी, इन स्टॉक्स पे बहुत सारी कंपनियों पे जो हम आईटी कंपनियां हैं, उनका जो एक्सपोर्ट होता है वो तो डेफिनेटली एक वन थिंग टू वॉच आउट है, बट इसराइल के साथ बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस या एक्सपोर्ट्स नहीं है। आज 2.2-2.3% के आसपास का जीडीपी का एक्सपोर्ट है, उसमें बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट होगा एक्सपोर्ट का इसराइल पे, तो वो लेके तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। यस, फार्मा कंपनियों पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है, जहां पे जिनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर होगा ऑन द मिडिल ईस्ट एज वेल एज। ओके, तो ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय, इजरायली कंपनियों पर आती हुई दिख रही है। जय भी कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं इजरायल पर, सिद्धार्थ जी पे, या फिर लिफाफे पर, या फिर किसी और पर साहब की? आइए 10 की कमाई का शेयर जान लेते हैं सिद्धार्थ सैलानी साहब से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, क्या है आपको पसंद? जी, 10 की कमाई का शेयर दूं, उसके पहले एक अपडेट जरूर दूंगा कि आज जो सुपर सेट में जो कॉल लिया था चेन्नई पेट्रो का, वो करीबन 923-924 के करीब था जब लिया था, 945 के टारगेट के लिए, जो अचीव हो चुका, आज का हाई 950 का आ चुका है। तो जिसने ले रखा है उसको, जो शॉर्ट टर्म के कॉल पे ले रखा है उसको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ऐसे मार्केट कंडीशन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, तो 945 का टारगेट अचीव हो चुका। इसके साथ ही जो 10 की कमाई का शेयर दूंगा वो है मास्टेक। नेहा ने आज क्वेश्चन पूछा था आईटी कंपनियों पे, तो मास्टेक लंबे समय के लिए आप जरूर खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव निवेश के रूप में। टारगेट रखना है 3360 का, 3360 का, विथ डिस्क्लेमर मार्च 2020 से हम रिकमेंड करते आ रहे हैं, ये बार बार लगातार निचले लेवल से मास्टेक को, इस पे खरीदारी की राय रहेगी। ये कंपनी ऑफकोर्स आईटी कंपनी है, ऐप क्लाउड सर्विसेज में है, यूके यूएस में अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है, ऑर्डर बुक करीबन $260 मिलियन के करीब है, ग्रोथ लार्जली हेल्थ केयर बिजनेस से आ रहा है अमेरिका से, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ एक इनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं यूके से, यहां से ग्रोथ आ रहा है, डील मोमेंटम और पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है जो कंटिन्यू रहेगा, 16-17% का मार्जिन रह सकता है आने वाले तीन क्वार्टर्स का, तीन तिमाही का, 12% आईसीजीआर से ग्रो हो सकती है, और एक्सपेक्ट करें एबिट मार्जिन करीबन 14.4% FY26 का, जो अभी करीबन 12% से थोड़ा सा ऊपर है। मास्टेक इस पे खरीदारी की राय है 3360 के लिए, लंबे समय का टारगेट है, ऑल्दो कहीं पे भी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख रही है, इसका फायदा उठाए और इस पे निवेश करें एक साल के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये है राय एक साल के लिए, सिद्धार्थ जी साल भर का व्यू है ना?
जी बिल्कुल अनंत जी, बिल्कुल 2670 के आसपास है, 3370 के आसपास के टारगेट समझ लीजिए, मतलब 400-300-700 रुपए का टारगेट ऊपर का, 700 रुपए का मतलब हो गया करीबन करीबन आपके 25-30% तक के रिटर्न के लिए एक साल के लिए करें निवेश मास्टेक में। राय सिद्धार्थ जी की तरफ आपके लिए आती दिख रही है, विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों से हमको धन्यवाद देंगे, अमृतसर और तेजस शाह साहब का विशेष शुक्रिया एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के लिए, कुणाल जी, राकेश जी, पालिया साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात, मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए, देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन, आइए जय हिंद। Investments in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.